तो आरटीओ कश्मीर के तरफ से कल आर्डर आया मंजर आम पर, उसने कन्फ्यूजन पैदा किया। जितने भी हमारे गाड़ी के हवाले से डीलर साहिबान हैं, सभी डीलर साहिबान कल से परेशान हैं। चाहे एचआर हो, चाहे डीएल हो, जितने भी गाड़ियां हैं बाहर की, कम से कम 4 लाख गाड़ियां यहां पर फंक्शन कर रही हैं। मेरे ख्याल से कम से कम 3000 करोड़ का बिजनेस है कश्मीर में। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सेटबैक है बिजनेस कम्युनिटी को इस चीज़ के हवाले से, जो आरटीओ श्रीनगर से कल आर्डर निकल कर आया है, जितनी भी दिल्ली की गाड़ियां हो, हरियाणा की गाड़ियां हो, पंजाब की गाड़ियां हो, उनको सीज़ कीजिए आप। कल से जितनी भी गाड़ी दिल्ली की चल रही है सड़कों पर, वो गाड़ियाँ सीज़ सभी हो गई। आरटीओ कश्मीर को ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहे, ये रिटन एक आर्डर निकलना चाहे आरटीओ श्रीनगर की तरफ से, जितनी भी दिल्ली की गाड़ियां हैं वो सड़कों पर दौड़ सकती है। हाँ, अगर कोई गाड़ी क्राइम में इन्वॉल्व है, कोई 2 नंबर की गाड़ी है दिल्ली की साइड से, उसको हम सीज़ करेंगे। मेरे ख्याल से आरटीओ श्रीनगर को क्लियर पोजीशन करनी चाहिए रिटन आर्डर के हवाले से। ये आर्डर आरटीओ श्रीनगर के दफ्तर से सर्कुलेट होना चाहिए, ताकि जितनी भी दिल्ली की गाड़ियां हो वो सेफ रहेगी सड़कों पे, ताकि जितना भी अमाउंट है इसके हवाले से जो इन्वेस्टमेंट हुई हमारी डीलरों की तरफ से कम 3000 करोड़ के करीब, जो हमारा यूथ है वो उस वक्त गाड़ियों के साथ डील कर रहा है, हमारा यूथ इसमें अर्जस था। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सेटबैक है यहाँ के यूथ को। एक और होता है जो आरटीओ श्रीनगर को अपनाना चाहिए था, हर तरीके से हमारे डीलर साहिबान के साथ बात करनी थी उनको, क्योंकि ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर है कार डीलर हमारे कश्मीर में।